बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू office.com.pk। आज का हमारा टॉपिक है एंजाइम्स, एंड एंजाइम्स में हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी को। एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ बायोकेमिकल रिएक्शन, कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल का क्या मतलब है? एक तो केमिकल रिएक्शन, और ऐसा केमिकल रिएक्शन जो बायोलॉजिकल कामों से रिलेटेड हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। अब किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन के स्टार्ट के लिए जो मिनिमम एनर्जी, जो मिनिमम हेड स्टार्ट हमें रिक्वायर्ड होता है, उस हेड स्टार्ट, उस एनर्जी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी की एब्रिविएशन है ई ए, इसको लिखा जाता है फॉर शॉर्ट फॉर्म के लिए, और दिस इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। अब एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये एक्ट करती है एज अ बैरियर फॉर द बिगिनिंग ऑफ रिएक्शन। अब कोई रिएक्शन अगर शुरू होना है तो वो वेट ही करता रहेगा कि इतनी उसको अमाउंट में एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड हो, तब वो स्टार्ट हो। तो वी कैन ऑल्सो से कि एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है ये एज अ बैरियर, यानी कि बैरियर का मतलब होता है रुकावट, ये एक रुकावट होती है किसी भी रिएक्शन को शुरू करने के लिए। और अगर ये रुकावट ज़्यादा हो, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा हो, तो मसला हो सकता है कि इतनी अमाउंट में जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक वो एक बायोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगा। बायोकेमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। अब इस काम को आसान करने के लिए आ जाते हैं एंजाइम्स। अब एंजाइम्स क्या चीज़ है? एंजाइम में कैसे प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं जो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करते हैं, यानी कि अगर किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए एंजाइम अपना रोल प्ले करते हैं, उसको वो थोड़ा कम कर देते हैं, ताकि हमें अगर कम अमाउंट में एनर्जी मिल रही है तो हम उसी को यूज़ करके वो अपना स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शन शुरू कर दें और उसको प्रोसेस कर लें। तो एंजाइम्स का एक बहुत बड़ा रोल ये होता है हमारे बॉडी के अंदर। फर्दर मोर एंजाइम्स क्या करते हैं, उसकी डिटेल हम पढ़ते हैं। लोअरिंग ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी करते किस तरीके से हैं, ये सेकेंड पॉइंटर है। लोअरिंग ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी किस तरीके से करते हैं, ये जो होता है एंजाइम्स जो होते हैं ये सबस्ट्रेट का शेप जो होता है वो चेंज, सबस्ट्रेट अब जिस तरह के आपको पता है, आपको पता होगा कि एंजाइम जो है दैट इज़ द, अगर फॉर एग्जांपल ये एंजाइम है तो सबस्ट्रेट एक ऐसा जो होता है फैक्टर होता है जिसने आके एंजाइम के अंदर एक्ट करना होता है, एंजाइम के साथ अटैच होना होता है, एंड फर्दर मोर उससे उसने प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं। तो सबस्ट्रेट का जो शेप होता है एंजाइम्स वो चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक्टिवेशन एनर्जी जो होगी वो ज़्यादा इसलिए भी हो सकती है कि सबस्ट्रेट का शेप चेंज करने के लिए जो है फर्दर मोर उस पर काम करने के लिए भी ज़्यादा हो सकती है एक्टिवेशन एनर्जी। तो एंजाइम्स आकर यह काम कर देते हैं, एंजाइम्स आकर उसका पहले से ही शेप चेंज कर देते हैं, और जिसके लिए हम एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो जाती है कि अब ऑलरेडी शेप उसका चेंज है, काम ऑलरेडी हो गया है, तो अब उसके लिए इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, तो एंजाइम हमारा जल्दी में आके ये काम कर देते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर इस तरह से ये होता है कि जब वो सब्सट्रेट का शेप, फॉर एग्जांपल हमारा कोई ऐसा रिएक्शन है जिसके लिए सब्सट्रेट का शेप करना ज़रूरी था, तो वो हमारा काम जो है एक्टिवेशन एनर्जी से होना था, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी इतनी अवेलेबल नहीं थी, तो हमारा ये काम आके जो है एंजाइम्स कर देते हैं। सेकेंड, इनका क्या तरीका है एंजाइम्स का एक्टिवेशन एनर्जी लो करने का? ये कभी कभी क्या करते हैं कि जो चार्ज होता है ना सब्सट्रेट पे, उसको जो है चेंज कर देते हैं, उसमें रद्दोबदल कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ताकि बायोकेमिकल रिएक्शन को प्रोसेस करने में आसानी हो जाए। अब अगर थोड़ी सी यहाँ पर केमिस्ट्री आ जाएगी, कुछ सब्सट्रेट्स ऐसे होते हैं कुछ डिफरेंट, देखिए बायोकेमिकल रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं, अब केमिस्ट्री भी उसके अंदर इन्वॉल्व है, आयंस भी हमारे बॉडी में डिफरेंट जगहों में मौजूद होते हैं, बेतहाशा मौजूद होते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो सकता है कि सब्सट्रेट के ऊपर ऑलरेडी मौजूद हो, कहीं पे पॉजिटिव ज़्यादा हो जाए, कहीं पे नेगेटिव, मौके की मुनासबत से केमिकल रिएक्शन की मुनासबत से कोई चार्ज अगर ज़्यादा है और उसको लो करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है, या कोई चार्ज अगर थोड़ा है उसको हाई करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है, डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं, तो उसके लिए एंजाइम्स क्या करते हैं, वो आके ऑलरेडी हमारे चार्ज वगैरह का इस सारा काम करके चले जाते हैं कि जितना चार्ज रिक्वायर्ड होता है लोएस्ट फॉर्म में, और जिससे हमारा काम जो है ताकि जल्दी हो जाए, उसके लिए एनर्जी ना रिक्वायर्ड हो, तो एंजाइम्स ही आके हमारा काम ऑलरेडी कर जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये डिस्टर्ब कर देते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है सब्सट्रेट्स पे, इक्वलाइज कर देंगे, कहीं पे लो कर देंगे, कहीं पे ज़्यादा कर देंगे, जो भी रिक्वायरमेंट होगी बायोकेमिकल रिएक्शन की वो ही हमारा काम करके चले जाते हैं। थर्ड ये होता है कि एंजाइम्स आल्सो लोअर एक्टिवेशन एनर्जी बाय ब्रिंगिंग सब्सट्रेट इन करेक्ट ओरिएंटेशन टू रिएक्ट। अब फॉर एग्जांपल
हमारे पास एक बायोकेमिकल रिएक्शन होना है इसमें प्रोसेस में. अब हमारा सब्सट्रेट जो है वो कहीं किसी फॉर्म में पड़ा हुआ है, किसी भी ओरिएंटेशन में, किसी भी तरीके से कहीं उल्टा सीधा पड़ा हुआ है. और उसकी ओरिएंटेशन, यानी कि ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि किस ओरिएंटेशन इज़ लाइक कि किस अंदाज में, किस तरीके से, किस सीक्वेंस में जो है सब्सट्रेट्स जो हैं कहाँ पे मौजूद है. अब उस सीक्वेंस को ठीक करने के लिए भी एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है. तो ये काम एक्टिवेशन एनर्जी हमें इतनी अवेलेबल नहीं है. अगर इतनी अवेलेबल हो भी जाए तो हमारा बायोकेमिकल रिएक्शन को उसको हेड स्टार्ट मिलने के लिए जो है बहुत टाइम लगेगा, स्लो रिएक्शन होगा. तो इसके लिए क्या होता है कि एंजाइम्स क्या करते हैं कि उसकी जो ओरिएंटेशन, उसकी सीक्वेंस होती है सब्सट्रेट की, वो जल्दी जल्दी आके ठीक कर देते हैं ताकि एक्टिवेशन एनर्जी उसके लिए लोअर हो जाए. एक काम ऑलरेडी हो जाए, हुआ हुआ हो, जो करने वाला होगा एक्टिवेशन एनर्जी के हिस्से का जो काम होता है वो एंजाइम कर देते हैं आके. और इस तरह क्या होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी उस काम के लिए जरूरत ही नहीं होती, तो ऑलरेडी हमारा काम कर देते हैं आके, इसीलिए हमारी एक्टिवेशन एनर्जी बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए लो हो जाती है. तो एंजाइम का बेसिकली ये काम होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी आगे लो कर देते हैं ताकि जो प्रोसेस जहाँ होना है, जो रिएक्शन जहाँ पर होना है, वो रिएक्शन वहाँ पे जल्दी हो जाए. अब ये छोटा सा आगे नीचे ग्राफ है जो कि इस चीज़ को फर्दर मोर एक्सप्लेन करेगा. ये हमने एक्स एक्सिस पे शो किया है एनर्जी के लेवल को और हमने वाई एक्सिस पे शो किया है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एंजाइम्स मौजूद नहीं है, तो ये हमारी जो ब्लैक में जा रहा है फिगर, ये हमारा रिएक्शन का लेवल है जो कि विदाउट एंजाइम है. एक्टिवेशन एनर्जी इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी विदाउट एंजाइम. अब आप खुद देख लें कि एक बायोकेमिकल रिएक्शन को स्टार्ट के लिए इतनी ज़्यादा एनर्जी मिल चाहिए होगी, फिर कहीं जाके वो यहाँ पर आके जो ये इसकी पीक है यहाँ पर प्रोसेस, यहाँ पे पीक ऑफ द रिएक्शन हो रहा होगा और फिर कहीं जाके वो यहाँ नीचे जो है प्रोडक्ट्स बनेंगे. यहाँ पर मैं मेंशन कर दूँ ये सबस्ट्रेट्स हैं. अब सब्सट्रेट्स की एक्टिवेशन के लिए इतनी हाई अमाउंट में ये चाहिए थी, हमें एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी विदाउट एन एंजाइम, ये जो ब्लैक फिगर है. अगर हमारे पास एंजाइम्स मौजूद होंगे, जो कि ये ब्लू मार्कर की ब्लू लाइनिंग से हमें दिखाई दे रहा है, जब हमारे पास एंजाइम मौजूद होंगे तो वो जो थ्री एक्सप्लेन किए हैं मैंने पॉइंट प्रायर से, वो सारे काम करेंगे. डिफरेंट और भी फंक्शंस होते हैं एंजाइम्स, वो करेंगे और हमारी एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से यहाँ लेकर आ देंगे. विच मीन्स कि हमारे रिएक्शन को बस इतनी सी एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि लो कर दी उसने इतनी सारी एनर्जी यहाँ से. अब आप ये देख सकते हैं कि ये इतनी, ये सारा फिगर जो है ये उसने लो कर दिया है एंजाइम ने. ठीक है, हमें अगर फॉर एग्जांपल अगर 1000 किलो जाउल्स एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी पहले, तो हमें 500 या चले 700 चाहिए होगी टू स्टार्ट अ प्रोसेस, टू स्टार्ट अ स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शन. अब ये इतना इन्होंने लो कर दिया और ये हमारा ब्लू फिगर आप देख सकते हैं कि बस हमें थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ी और हमारा प्रोसेस जो है वो फास्ट अप हो गया, हमारा जो रिएक्शन है वो जल्दी हो गया. एंड दिस ऑल हैपन बिकॉज ऑफ द एंजाइम्स. एंजाइम्स ने आकर हमारी एक्टिवेशन एनर्जी लो कर दी है. डिफरेंट जहाँ पर रिक्वायरमेंट्स थी बायोकेमिकल रिएक्शन की, कहीं पर उसने सब्सट्रेट का शेप ऑल्टर कर दिया, कहीं उसने चार्ज उसका सेट कर दिया, कहीं पे उसने ओरिएंटेशन ठीक कर दी, कहीं पे सिर्फ एक होता है काम, कहीं पे तीनों काम भी उसने कर दिए, कहीं पे इसने सिर्फ दो काम, जो जो रिक्वायरमेंट है बायोकेमिकल रिएक्शन की उसने वो की और एक्टिवेशन एनर्जी लोअर कर दी और हमारे सब्सट्रेट से प्रोडक्ट्स बना दिए. सो दिस इज हाउ एंजाइम्स और एक्टिवेशन एनर्जी का आपस में ये रिलेशन है.